there's a very interesting question actually. Okay, but I have a tattoo on my wrist. Am I eligible for UPSC examination? I think it was spontaneous. पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था. मैं तो 10 बार चेक किया कि भाई मेरा ही नाम है, वन ही है, वही वाली लिस्ट है, कोई और लिस्ट नहीं है. मतलब इट वाज अनइमेजिनेबल. दिस इज द स्टफ ऑफ ड्रीम. एंड माय सिस्टर वोक मी अप दैट योर फोन इज कंटीन्यूअसली ब्लिंकिंग. आई वाज लाइक एक ही रीजन हो सकता है, भाई रिजल्ट आ गई. तो खोला एंड आई वाज लाइक नहीं यार, ये कौन सी लिस्ट है यार, ये वो कैटेगरी वाली कौन सी है, उल्टी है नीचे. मतलब रोल नंबर चेक करो, नाम चेक करो. Crazy experience, and within 15 minutes, media vans flooding your house, and media वालों ने मेरे outside हट जाएगी, पूरा furniture rearrange कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. It was crazy, it was a crazy ride. और अभी भी विश्वास नहीं होता, seriously. It's surreal, and I believe कि of course hard work has played a very big role, but more than that, it's also थोड़ा luck element, एक God's grace है. एक बहुत ज्यादा वो होता है कि भाई वही क्वेश्चन पूछा जिसका मुझे आंसर आता था. माय कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स. ओके, तो ये सब आपको खरीदने का टाइम मिल पाया जब आप पढ़ाई कर रही थी? यार एवरी 15 डेज कहीं तो 2-3 घंटे बाहर जाएंगे. आज जस्ट ओपन लाते अच्छा, सो दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू शॉप? यस एक्चुअली आज मैं गई थोड़ा शॉप करने की, काफी इंटरव्यू हो रहे हैं, थोड़े कपड़े होने चाहिए. दिस इज माय प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल. ये वाला इज कॉलेज का फॉर बेस्ट स्टूडेंट. इट्स अ वेरी बैड फोटो, प्लीज प्लीज इसको इस पे फोकस नहीं करो. हम इसका क्लोजअप ले चुके हैं, बाद में लगा देंगे, डोंट वरी आप. ये दिस इज अ डिबेटिंग अवार्ड. ओके, दिस इज फॉर यूथ पार्लियामेंट में मैं डिप्यूटी स्पीकर थी. ओके, ओके, तो डिबेट्स जो है वो आपका कोर एरिया रहा? डिबेट्स एंड हाँ, मॉडल यूनाइटेड नेशंस एंड यूथ पार्लियामेंट्स. यस, ये आपका कोर एरिया रहा. वो यहाँ पर अवार्ड्स जो है वो भी ये दिखा रहे हैं कि डिबेट्स से भरा हुआ है, राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड देन देयर ऑन. घर में कितनी डिबेट करती हैं? घर में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. सबसे ज्यादा डिबेट किससे होती है? आई गेस मम्मी से ही होती है, क्योंकि लाइक मम्मी एंड आई इंटरेक्ट सो मच पूरे दिन. मैं एज अ मदर मैं बोलती हूँ, मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत की है, 10-10 घंटे मतलब मुझे बोलना पड़ता था नहीं अब सो जाओ बेटा, अब सो जाओ. ये पूरा मतलब ये इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है वो मैं जानती हूँ. तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरिट लिस्ट में आ जाएंगी, लेकिन टॉप करेंगी. मेरे लिए बहुत बड़ा भगवान का गिफ्ट है, इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती. चलिए आपके कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जो रास्ता है वो टॉप करने का निकलता कहाँ से. ऐसा स्पिक एंड स्पैन कमरा वैसे हमने उम्मीद नहीं की थी, हमें बताया गया था बहुत केओस है, लेकिन अभी यहाँ केओस नहीं है. सबसे पहले मेरी नज़र जिस पे पड़ रही है वो है डोंट क्विट, एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज. ये कब लगाया आपने और फिर इसको इन लेटर एंड स्पिरिट भी फॉलो किया? आई थिंक दिस इज आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी ट्रू, स्पेशली वेन इट कम्स टू UPSC. क्योंकि आई गेस हर थर्ड डे ऐसा लगता है कि बस यार नहीं हो रहा, यू वॉन्ट टू गिव अप. सो यू नो ये ऐसा लगता है, आई थिंक एवरी थर्ड डे लगता है ऐसा. इट इज सो टफ. सो दिस इज समथिंग, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ या मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, तो दिस इज समथिंग जिस पर नजर पड़ती है कि नहीं करना है, डू इट, डोंट क्विट. ओके, लीडरशिप क्वालिटीज की बुक भी हमें दिख रही है. अब मैं चाहती हूँ कि आप ये जो आपका कमरा है इसको आप खुद एक्सप्लेन करें. What do you do? कहाँ क्या रखा है? आई थिंक कमरा बहुत ही ऑर्गेनाइज इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम डिमांड करती है कि इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो अगर सब एक ही तरफ रखा हो तो मुझे कभी कुछ मिलेगा ही नहीं. सो सब डिफरेंट है. फॉर इंस्टेंस ये पूरा मैंने फॉरेन पॉलिसी का बनाया क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल रहा, तो उसका एक अलग सेक्शन बनाया. करंट अफेयर्स एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड था. देन से किताबों में हो गया काम? नहीं, दिस इज जस्ट वन सब्जेक्ट, लाइक दिस दैट एंड दिस वाज माय स्टडी. सो आई यूज्ड टू सिट हियर एंड मैंने नोटिस बोर्ड काफी लगाया. आपने देखा एक वहां पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, बिकॉज रैंडम थॉट्स आ जाते हैं एंड देन यू फॉरगेट देम आफ्टर वेल, बिकॉज इतनी सारी चीजें तो जो भी फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो, बहुत पुरानी लिस्ट है, इनफैक्ट ये मुझे पढ़नी है, बट इसमें पता नहीं मैंने कुछ कुछ लिखा होगा. करंट अफेयर्स का मैगजीन उठानी है, बाजीराव की कोई डेट शिफ्ट करनी है. सो ये सब ये बहुत पुराना है, आई एक्चुअली हैव टू पुल इट आउट. ओके, ये लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीजें जो है वो उनको याद रखना जरूरी है. अभी कोई थॉट आया फिर आप उसे भूल गए, तो बेहतर है इस तरह के बोर्ड्स रखिए और ऐसा एक जरूर रखिए जो आपको, जैसे टीना ने कहा कि हर तीसरे दिन लगता है कि अब नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं बस, तो फिर आप इसकी तरफ देखिए. यही करती थी आप? जी जी जी, बिल्कुल यही करती थी. आगे चले, इधर भी बताइए. ये जनरल स्टडीज है.
इतनी सारी जनरल स्टडीज है, ये हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये पॉलिटी है, ये साइंस है. साइंस का कोना बड़ा छोटा है क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज मुझे ज्यादा नहीं है, तो साइंस, वो इकोनॉमिक्स और वो नीचे ज्योग्राफी. फॉर इंस्टेंस आई थिंक ये बुक से सब आइडेंटिफाई करेंगे. हाँ, यस यस, ये इट्स लाइक बाइबल. हाँ, बाइबल है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फॉर हिस्ट्री. सो लाइक ये तो पूरी पढ़ा ली. इनफैक्ट ये गिर रही है और पता नहीं इसमें हमने कुछ हाइलाइट्स भी किए हुए हैं, कुछ नोट्स भी बनाए हैं बीच में. फट गई है तो फट गई. हाँ, इतनी आई गेस इतनी बार हैंडल किया है कि इट्स ऑलरेडी एंड इट्स नियरली हाइलाइटेड टू द कोर, क्योंकि ये नियरली याद करनी पड़ती है. उसके ऊपर भी मैंने याद करने के लिए पता नहीं क्या क्या बनाया है. एक चीज जो काफी बार बच्चे गलत सोचते हैं कि सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ना है, पढ़ना तो है बट स्मार्टली पढ़ना है. जी जी बिल्कुल. आज तक के मतलब मेरी मम्मी ने मुझसे कोई घर का काम नहीं कराया, बिकॉज शी वाज लाइक बेटा यू आर गुड इन स्टडी सो यू डू. द एग्जाम इज सो वास्ट, लिटरली एनीथिंग अंडर द सन इज वास्ट, एंड व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन एग्जाम ऑफ दिस मैग्नीट्यूड व्हाट रियली वर्क्स इज दैट यू हैव अ स्टडी प्लान. He spoke about a strategy. I will tell you that you need to have timetables. You need to have targets. अगर आप random पढ़ेंगे कि चलिए आज ये किताब उठा ली, कल वो किताब उठा लेंगे, you will lose track कि आपने कितना कर लिया cover, कितना अभी करना बाकी है. तो वो हमेशा एक you know, फिर पैनिक आती है, कोर्स बहुत ज़्यादा है. That is what happens. So you have to have a study plan. You have to have a timetable. You have to have your own target. Some people have daily targets, some people have weekly targets, some people have monthly targets. I used to make my timetable 3 months ka advance mein. Ki 3 mahine maine aise aise karna hai, every week mera aise aisa hoga. You have to be very planned because, you know, of course, it's all about, you know, like, of course, you grow as an individual, your intellectual base enhances. But at the end of the day, hamara motive hai bhi exam crack karna, we have to be smart. It's smart. स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. पढ़ाई आप बाद में भी कर सकते हैं टू बिकम दैट इंटेलेक्चुअल पर्सन. येस यू हैव टू, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट. बट ऑफकोर्स द मिशन राइट नाउ इज टू क्लियर द एग्जाम, राइट? सो स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफकोर्स लाइक वॉट ही सेड, कभी किसी का कोर्स कंप्लीट नहीं होता. यू नो, आई ऑनेस्टली एडमिट मैंने अभी तक मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी. सो आई लेफ्ट मिडिवल हिस्ट्री, आई डिड एंशिएंट एंड मॉडर्न. Yeah, so, और अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में मेडिवल के क्वेश्चन आ गए थे, सो वेरी सैड फॉर मी एज वेल. सो टॉपिक्स छूटते हैं और सबके छूटते हैं. सो ऐसा नहीं आप ही के छूटेंगे, आपका ये छूटेगा, किसी का कुछ और छूटेगा. सो वेन एवर दैट थर्ड डे कम्स, प्लीज टॉक टू गर्लफ्रेंड, प्लीज टॉक टू बॉयफ्रेंड, प्लीज टॉक टू मम्मी एंड पापा. इट इज़ नेसेसरी. हमेशा आप अपना एक सपोर्ट बना के रखिए जिसको आप एक्चुअली शेयर कर सकते हैं कि आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है. एवरी 15 डेज ऑफकोर्स एक मूवी देखने जाइए. एवरी 15 डेज गो फॉर शॉपिंग, द गर्ल्स कैन गो फॉर शॉपिंग, द बॉयज कैन गो फॉर वट एवर. सो या, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी, एंड वी आर ऑल नॉर्मल पीपल. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. यू फील, आप अपने काउंटर पार्ट्स को देखेंगे, अगर कोई जॉब कर रहा है तो अच्छा वो तो इतने पैसे कमा रहा है, अच्छा ये तो पीजी कर रहा है, कर रही है, एंड ये है. देन देर आर अदर लाइक लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड वेर इन रिलेशनशिप्स एंड दे वर फेसिंग प्रॉब्लम, यार वो तो किसी और के साथ चली जाएगी, चला जाएगा, वॉट टू डू, यू नो, लाइक लॉट ऑफ प्रेशर. सो यू फील सो डीमोटिवेटेड, यू फील सो सैड. एवरी थर्ड डे इट विल हैपन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम फॉर क्लास एवरी डे, टू वेक अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, टू सिट थ्रू द, आई थिंक सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मुझे भी यही लगता था कि रोज सेम रूटीन, उठो वो खोलो बुक और वो पढ़ो और फिर शाम हो गई, फिर उठो खोलो बुक शाम हो गई. आई थिंक वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, वो रूटीन को बनाए रखना. बट सच में अगर वो कर लिया तो इट एक्चुअली पेस, इट पेस, इट पेड फॉर मी. कैसे भी करके, जैसे भी वो टाइम काटा तो इट पेस. हार्डवर्क ऑलवेज पेस. फोकस ना हटाइए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए. ऑफकोर्स बाहर नहीं जा पाते, मूवी नहीं देख पाते, शॉपिंग नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, बट वो पे करता है. फोकस रखिए. और ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, नो डाउट, एब्सोल्युटली. वो एक बंदा अपने, एक शख्सियत अपनी लाइफ में वो ढूंढ के रखिए जो आपको, चाहे आप जब भी बोले, कितनी बार रोज ही बोले कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, वो आपको मोटिवेट करे. सबके पास एक वो सपोर्ट चाहिए होता है. का क्या ज्यादा चांस है, मेरा कम चांस है, इज माई सोर्स ओके, अच्छा जो के एस जी ने प्रोवाइड किए थे ठीक है, कोई दूसरे कोचिंग का खरीद लूँ क्या, एंड वर्क सो मेनी क्वेश्चन. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. मोस्ट ऑफ यू, यू नो, माइट बी नॉट फ्रॉम दिल्ली, यू माइट हैव, यू नो, कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली.
इट्स वेरी टफ एंड प्लस रोज का वही बोरिंग रूटीन कमिंग टू क्लास स्टडिंग 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 कोई डिस्टर्ब एंड वी नो इट वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट इज टफ इट इज वेरी डिफिकल्ट वी गेट वेरी नेगेटिव इमोशंस वेरी एवरी सेकेंड थी ट्रीट इट एज नॉर्मल आराम से करिए बिकॉज स्ट्रेस लेके तो वैसे भी होगा नहीं सो यू नो आराम से शांत बिल्कुल शांत वातावरण में आराम से करिए मेंस का भी पढ़े या प्रीलिम्स भी स्टिच हो जाए आई थिंक आइडियली टू मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स फोकस शुड बी एक्सक्लूसिवली ऑन प्रीलिम्स एंड डोंट वरी कि अच्छा मैं प्रीलिम्स का ही पढ़ रही हूँ तो कहीं मेंस का फोकस तो नहीं हो रहा मेंस के लिए तो बहुत ही कम टाइम है हाउ विल आई प्रिपेयर फॉर मेंस फर्स्ट थिंग दिस एग्जाम्स विद यू यू ऑल विल गो थ्रू द सिलेबस टुडे सो लेट मी टेल यू इन एडवांस दिस द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स इन मेंस इज इंटरलिंक्ड उसको रादर देन रीडिंग 10 डिफरेंट थिंग्स रीड वन थिंग 10 टाइम्स Seriously, if you can take out even 10 to 15 minutes for some sort of walk play or physical workout play, you will just, I know it increases stamina, it just does. So, you know, just 10 minutes, walk around, 15 minutes, badminton, just, you know, 10 to 15 minutes. You'll just have a lot of stamina to study 15 minutes more. I'm telling you, you will study 15 minutes to half an hour. You'll get good stamina and you'll feel confident. Self-study is very important. Class ka kuch yaad hi nahi rahega agar ghar ja ke revise nahi kiya. That's also fine, sir. It doesn't matter. यही matter करता है self study कितनी है क्योंकि वो कुछ भी पढ़ा दे आपने क्या समझा that is what counts. So even if you are studying on your own, it doesn't make a difference. What you learn, what you memorize, what you keep in your mind is the thing which really matters. So अगर आप वो खुद से करें it's very well and it's wonderful. और group study मत करना please. Self study करना. मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी तो तकरीबन हम कह सकते हैं 8 घंटे एक दिन में पर इसी के साथ साथ अगर सही मायने में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी हो मन लगा के पढ़ाई करनी हो तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्लीप एक अच्छी नींद होना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर दिमाग वेल रेस्टेड नहीं होता है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते साथ ही साथ बहुत ही खुश भी रहना होता है बहुत मोटिवेटेड भी रहना होता है इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम बहुत कठिन है और हर तीसरे दिन ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं हो रहा अब रहने देते हैं अब ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा जी एवरी डे पढ़ाई करी और 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करी मैंने एवरी डे मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि मैंने करीब हर दिन 8 घंटे तो पढ़ा होगा 8 से 9 घंटे और मान लो कल एग्ज़ाम हो तो मैंने 14 घंटे भी पढ़ा है कभी कभार कोई टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ तो 10 घंटे भी पढ़ा है बट हाँ मैं एक कह सकती हूँ कि 8 घंटे तो पढ़ा ही है हर दिन के लिए यू विल हैव टू यू नो कीप योरसेल्फ एंटरटेन्ड यू नो अच्छे से सोना है मज़े भी करने हैं इतना सब याद करना है एंड हाउ विल वी रिमेंबर सो मच इफ यू हैव अ फ्रेश माइंड सो दैट 8 hours ऑफ स्लीप नॉट 12 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी गिवन टू यू इम्पॉर्टेंस बिकॉज यू नीड अ फ्रेश माइंड वैन यू वेक अप द नेक्स्ट डे एंड यू हैव टू लर्न सो मच यू हैव टू मेमोराइज सो मच खाना डाइट ऑल ऑफ दिस ऑल्सो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ एंड व्हाट सर सेड दैट वी आर नॉर्मल पीपल ऑफकोर्स एवरी 15 डेज वी नीड टू टेक अ डे ऑफ डू वट एवर वी लाइक गो वॉच अ मूवी और वट एवर सुट्स यू बट अब जैसे मैं हूँ तो मुझे तो बड़े टेंशन हो जाता है कि कल भाई एग्जाम है कुछ ऐसा ना हो कि आंसर इसलिए नहीं आए क्योंकि जस्ट रिवाइज नहीं किया था क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पहले पढ़ा तो सबने होता है बट रिवीजन होता है तो ही आप उस टाइम समझ पाते हो अच्छा क्या सही है क्या गलत है तो ये रिग्रेट ना रह जाए कल कि अरे पता तो था बट बस क्योंकि रिवाइज नहीं किया तो हम वो आंसर नहीं कर पाए तो मैं तो कर लेती हूँ बट अब वही सबका अलग होता है कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं कि हमें ज़्यादा टेंशन हो जाता है हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है तो हम एक दिन पहले नहीं पढ़ते तो इसका कोई एक वो नहीं है स्ट्रेटेजी सबकी अलग होती है What about the current affairs? Very good question. So, you know, prelims, mains, interview, 90% current affairs. Magazine, agar nahi padh rahe ho, aaj hum bhi bahut sad hai. Bahut zyada sad hai. Newspaper everyday padhna hai. Newspaper magazine ka substitute nahi hai, wo ek supplementary source hai. Kyunki kaafi baar newspaper hi sab kuch cover nahi karta. To jo bach jata hai, wo magazine mein hota hai. Newspaper everyday aapne padhna hai and it takes 2 hours for a normal student with normal speed of reading. Theek hai?
2 hours read Hindu or read Indian Express, read one paper only, but read every day for 2 hours. It is very important. 90% of the paper in prelims, in mains is current affairs. वो ही निकालेगा एग्जाम. करंट अफेयर्स हम क्या करते हैं, वी आर टू मच फोकस ऑन फाउंडेशन. यस, फाउंडेशन हैज टू बी फोकस्ड. इवन इफ देयर इज एन इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट, सो दे विल, यू नीड टू नो द फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड, बट द क्वेश्चन विल बी करंट अफेयर्स. समझ रहे हैं बात? सो करंट अफेयर्स एकदम इग्नोर नहीं करते. और अगर कोई बैकलॉग आपने बना लिया है कि यार 2 महीने की मैगजीन मैंने नहीं पढ़ी, तो आप 2 दिन निकालिए और पढ़िए मैगजीन. और ऐसा नहीं है हमें मैगजीन से नोट्स बना लिए कि हम लिख नहीं बैठ गए मैगजीन से, पूरी मैगजीन आप दोबारा कॉपी कर सकते. सो दैट्स समथिंग यू डोंट नीड टू डू. ओके, आपने क्या करना है, आपने हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, और जब टेस्ट सीरीज होंगी तो आपका तब रिवाइज होगा, आपको याद करना है उसके से. ठीक है. न्यूज़पेपर्स करंट अफेयर्स डू दे हेल्प? अरे 70% ऑफ द पेपर इज न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स. आई थिंक विल गो स्टेप बाय स्टेप सिंस आई आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्कूल. व्हेन वी आर इन स्कूल ऑफ कोर्स आई थिंक द मेन फोकस शुड बी क्लियरिंग योर बोर्ड्स, बोर्ड एग्जामिनेशन. सो डोंट टेक टू मच प्रेशर इनटू थिंकिंग कि अभी से ही हम यूपीएससी का इतना पढ़ लेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. आपकी भी उतनी एज भी नहीं हुई है, ना ही उतनी एजुकेशन लेवल हुई है. बट of course it's very good to start early. So the only thing you can do is develop newspaper reading and focus on the 11th and 12th NCERTs, because those books only become the core books for preparation for UPSC. So apna aap kaam halka kar sakte ho by focusing on your school studies very well, and of course if you can develop newspaper reading habit, then nothing like it. If you are in college then I think the strategy should be ki aap wohi graduation subject चुने विच यू थिंक यू विल ऑल्सो परस्यू फॉर योर मेन्स. फॉर इंस्टेंस आई हैड डिसाइडेड वे बिफोर दैट आई वुड चूज पोलिटिकल साइंस एज माई ऑप्शनल इन द मेन्स एग्जामिनेशन. देयर बाय आई टुक पोलिटिकल साइंस ऑल्सो एज माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. सो ऑब्वियसली उसने मेरी हेल्प करी एग्जामिनेशन में. अगेन इफ यूर इन कॉलेज आई थिंक न्यूज पेपर रीडिंग अगेन हेल्प्स, एंड कॉलेज इज द राइट टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट सीरियस प्रिपरेशन टुवर्ड्स न्यूज पेपर रीडिंग. लाइक आई सेड द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट वॉट हैपन्स अराउंड यू, एंड द बेस्ट वे टू कीप ट्रैक ऑफ दैट इज डू अ लॉट ऑफ न्यूज पेपर रीडिंग. सो एवरी डे यू हैव टू स्पेंड नियरली टू आवर्स ऑन न्यूज पेपर. I think people who are also working, since I was not working, so I'm probably not the right person to address this, but I think even if you're working in a, like a lot of my colleagues were working while preparing for the examination, you still need to somehow take out 5 to 6 hours to study, if not 6, at least 4 to 5 hours. And probably, you know, like I know people who have got selected and who were already doing a job. So, you know, they had very clever tactics how to, you know, spend their time studying as well as working. For instance, one very good friend of mine, he was already in a job, and every morning to commute to his workplace used to take around 2 hours. So he used to listen to news during that point of time and even download news videos or debate videos, and that's how he kept track of current affairs. So you need to formulate your own strategy how to take out those 4 to 5 hours for study every day. Okay, there's one very common question. They say, please give a list of some books which are necessary. Yeah. So this is, I think this is the most often asked question. Ki ek book list hum dein, ki kaun sa subject kahan se prepare karna. I think this is a question of a lot of aspirants. I think we can begin with history. So for ancient and medieval Indian history, you need to do NCERTs. For modern Indian history, of course, the NCERT plus spectrum. Yeah, she's absolutely right. And also especially for the students who are from non-humanity background, say science students and engineering students, NCERTs are really, they act as anchors. If we talk about geography, I think geography has two parts, physical and human geography. For physical geography, it's 11th class Fundamentals of Physical Geography, NCERT. It's a blue color ki NCERT, class 11th. For the human geography, we require 12th class ki yellow color ki, what is it called? It's called human geography only. So these two books are for physical geography and human geography. We also need to study a bit of Indian geography, which again I think 12th class ki NCERT and 10th class ki NCERT. A new upcoming area in UPSC is environment and ecology. So environmental science is very important. A lot of questions are coming. Bilkul hot topic hai ye.
एंड आई थिंक एनवायरमेंट के लिए बेस्ट सोर्स है दैट यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इशूज हैपनिंग करेंटली. सो यू नो लाइक कोई क्लाइमेट डील हो गई, क्लाइमेट चेंज की कोई बात चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की कोई बात चल रही है, कोई एंडेंजर्ड एनिमल्स की बात चल रही है, कुछ भी न्यूज में है. सो यू नो प्लीज कीप ट्रैक ऑफ इट. प्लस आई थिंक देयर इज दिस वेरी गुड बुक पब्लिश्ड बाय शंकर आईएएस अकेडमी. It's green in color and I think it's easily available in the market and even its free PDFs are available online. So guys, you can download that and I think it's a very good book. Polity, I think Polity, it's Lakshmikant, Lakshmikanta and Lakshmikant. There is no alternative. That's true. So there's no substitute. I think Lakshmikant is the most cliched book out there, but it's the best. And I think we must have done Lakshmikant kitni baar padha hoga. 10-15 baar to padha hi hoga. Read Lakshmikant again and again. And apart from that, there is a small book, PM Bakshi, in which you find bare articles of the constitution. Right. So you can also have it. So just translate that into Hindi because we have bilingual friends here. Athar keh rahe hai ki along with Lakshmikant, you should also read constitution mein jo actual articles hain. So Lakshmikant is basically an explanation of those articles. So PM Bakshi ki ek patli si kitab aati hai, jisme जो प्रॉपर लैंग्वेज में संविधान में जो हमारे एक एक करके आर्टिकल्स हैं वो लिस्टेड हैं. तो वो अगर आप साथ साथ लक्ष्मीकांत के साथ पढ़ेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा और बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगी. इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स इज लाइक द मोस्ट ट्रिकीएस्ट, यू नो लाइक सबसे प्रॉब्लमैटिक इट्स इकोनॉमिक्स. यू बेटर इन इकोनॉमिक्स देन मी, व्हाई डोंट यू? सो आई थिंक इकोनॉमिक्स के लिए अ गुड स्ट्रेटजी वुड बी टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद क्लियर योर बेसिक्स. से वी ऑलवेज स्टार्ट विद लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड? हाउ आर प्राइसेस डिटरमाइंड? सो देन व्हाट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? यू हैव टू स्पीक इन हिंदी. देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर लाइक हिंदी प्लीज. सो स्पीक इन हिंदी अथर. ओके, सो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इकोनॉमिक्स के हैं उनको अच्छे से क्लियर कीजिए. जैसे लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की बात की जाती है, हाउ प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं इकोनॉमी में, एक मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एक जैसे इन्फ्लेशन की बात करते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन, हाउ आर दीज थिंग्स रिलेटेड टू ईच अदर. सो एक बार वंस यू आर थ्रू दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इजीली यू नो स्टार्ट रीडिंग योर करंट अफेयर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन. RBI का पॉलिसी स्टेटमेंट है, RBI हैज नॉट चेंज्ड से रेपो रेट, सो व्हाट डज इट मीन? या इफ RBI हैज चेंज्ड द रेट, सो व्हाट डज इट मीन? हाउ विल इट इंपैक्ट माय इकोनॉमी? सो स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड देन कीप अ स्ट्रांग ट्रैक ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन करंटली. देयर इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, somebody has said new or old NCRTs. So it's old NCRTs, not new, old NCRTs. For everything it's old NCRTs. For history especially. History especially is old. New, geography mein, particularly geography mein you can go with the new NCRTs. They're updated and easy. But for history, don't go for the new ones. The new ones don't have much material jo UPSC require karta hai. For history especially, go for the old ones. Subha Rao and Roy Choudhury. It's also a very good book. Subha Rao. It's a very good book. I forgot to mention it. It's Ethics, Integrity and Aptitude by Subha Rao and Roy Choudhury. It's a very good book. Yeah. It has a lot of case studies, a lot of questions which you can practice. So it would always be advisable to do that. And there's also one book. It's written by one of our seniors, Nitin Singhania. I mean, I think many of you would have read it. It's also available online or somewhere. I found that book also useful for art and culture. Besides, there's a website, CCRT's website. That's a very difficult website. Yeah. It is a bit difficult, like, but you know, some of the portions you can read. I don't want to load you guys. ऐसे तो पता है, like ऐसे तो we can tell them loads of things, but let's like make a smart strategy. Like let's focus. Yeah, on that area. That's probably more and all. Right. I think there's a very interesting question actually. Okay. I have a tattoo on my wrist. Am I eligible for UPSC examination? Yes, the tattoo doesn't matter. Just hide it at the time of your interview. Without tattoo. But if the tattoo is visible during the interview, they might ask a question on it, ki is tattoo ka significance kya hai aur tumne kyun lagaya hai? Yes. But vaise there's no restriction, yaar. Aise thodi na hai. Important for newspapers. We have questions like which newspaper to read, Hindu or Indian Express. कोई भी पढ़ लो, पर एक पढ़ना और अच्छे से पढ़ना. यू रीड हिंदू, यू रीड द इंडियन एक्सप्रेस, रीड एनीथिंग बट रीड इट वेल एंड फॉर एटलीस्ट लाइक 2 hours. सर आई थिंक जो बोर्ड मेंबर्स हैं
वो हर चीज आपके एनालाइज करते हैं, आपकी आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ जी, आप अपने ओपिनियन अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं है, आप कितने कंपैशनेट हैं इश्यूज को लेके, आप कितने सेंसिटिव हैं, आप अपने खुद के सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट हैं, तो आपकी हर चीज टेस्ट होती है. मेरा इंटरव्यू 45 मिनट्स चला था, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम कंपेयर टू यूजुअली जितना चलता है. एंड मुझे हर चीज पे टेस्ट किया गया. मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया गया, मुझे मेरे सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मुझसे जो भी जुड़े हुए मुद्दे, जो भी जैसे हॉबीज हैं उनसे क्वेश्चन आया, जो भी देश विदेश में जो इम्पोर्टेंट चीजें चल रही थी उससे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मैं अवेयर हूँ, क्या मैं रुचि रखती हूँ कि मेरे सराउंडिंग्स में आसपास क्या चल रहा है, नियरली हर चीज. और इनफैक्ट मैं देख रही थी कि जो बोर्ड चेयरपर्सन थी हमारी, वो उनके पास एक सॉर्ट ऑफ एक टेबल उन्होंने बनाया हुआ था और वो सब पे टिक करे जा रही थी. मतलब मुझे इतने दूर से इतना दिखा था कि वो, तो उससे मेरे को ये आइडिया लगा कि वो हर चीज मेरी टेस्ट करे और देखे, अच्छा ठीक है ये ठीक है, ठीक टिक टिक. तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे बैठे हुए हैं, आप जो बोल रहे हैं क्या वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, या वो ठीक है या नहीं है, हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है. और द वेरी फैक्ट कि एक बोर्ड चेयरपर्सन होगा, साथ में चार और बोर्ड पर्सन होंगे और आप बिल्कुल सब आप ही को देख रहे हैं, तो वो भी एक बहुत प्रेशर पॉइंट होता है. यही बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि अच्छा अब आप वो रूम एंटर करने वाले हैं जहाँ पे काफी कुछ डिटरमाइन होगा, आपकी रैंक डिटरमाइन होगी, इससे आपका कैडर डिटरमाइन होगा, इतने ज्यादा मार्क्स इससे जुड़े हुए हैं, तो वो खुद में ही बहुत बड़ा. एक सिटिंग एरिया था, सिटिंग एरिया से जब मैं बोर्ड चेयरपर्सन के रूम में जा रही थी, तब वहां पे एक पोयम लिखी हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर की, व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. तो बस वो दो पंक्तियां पढ़ ली, तो मैं पता नहीं एक थोड़ा साइकोलॉजिकली लगा कि चलो अब जो होना है हो, सर ऊंचा करके ही जाने और सर ऊंचा करके ही वापस आने. सर वहां दिख गया, वो पोयम पूरी रविंद्रनाथ टैगोर की उन्होंने वहां लगाई हुई है यूपीएससी में, व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. तो पढ़ा और गई और कॉन्फिडेंटली. और लकीली ऐसे पता नहीं बहुत परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं बोर्ड तो तुम्हें खा जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, बट मैम और बोर्ड मेंबर्स बहुत काइंड, बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया. और इनफैक्ट उनका सवाल क्वेश्चन ही मेरी हॉबी से जुड़ा हुआ था कि चलिए उस चीज से स्टार्ट करते हैं जिससे बच्चा कंफर्टेबल. ऐसा तो कुछ नहीं था कि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, पर हालांकि बहुत ट्रिकी इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे दिया था. क्या था सिचुएशन? वन बोर्ड मेंबर आस्क्ड मी कि समटाइम्स यू टेक सम डिसीजंस बाय योर हार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड समटाइम्स यू टेक डिसीजन बाय योर हेड. नाउ टेल मी अ सिचुएशन टीना इन विच योर हार्ट सेज वन थिंग बट यू स्टिल हैव टू टेक डिसीजन बाय योर हेड. बाय हेड राइट. ठीक है. अब मुझे यही लग रहा था कि मैं तो कॉलेज से निकल के आई हूं, नॉट सीन द रियल, मैं क्या बोलूं इनको. बट मैंने खुद आई टुक अ मिनट और टू एंड आई थॉट कि अब मैं ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकते, आपको एक थोड़ा स्टैंडर्ड भी दिखाने की हाँ आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते. फिर मैंने एक दो मिनट सोचा, फिर मैंने बोला कि सर whenever you see a very poor person, a very poor exploited person, आपका immediately heart बहुत compassionate हो जाता है, you feel कि बस कैसे भी इसकी suffering मैं दूर कर पाऊँ. तो उस time आपका heart ये कहेगा, but you have to be an administrator and you always have to think कि no matter how good your intentions are, आपकी जितनी भी अच्छी feelings हो, you cannot take law in your own hands. You have to let law take its own due course. So you have to go by your head. तो चाहे आपका उस टाइम हार्ट कुछ भी करे, लॉ को आप अपने हाथ में नहीं दे सकते. तो ये थोड़ा ट्रिकी था जो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि अब मैं इसमें क्या बोलूं. और बाकी देश विदेश की बहुत चर्चा हुई क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो उन्होंने बहुत सारी जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ पूछा, यूएसए के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए, इवन नॉर्मल देश के इश्यूज पे आए कि सीबीआई के बारे में बताई. पहला क्वेश्चन यही था कि मैंने अपनी हॉबीज में मेंशन किया था कि मैं पेंटिंग करती हूँ और नेशनल म्यूजियम के कंपटीशन में मुझे प्राइज भी मिला था, तो मैम ने उसी से स्टार्ट किया क्योंकि जस्ट एक दो दिन पहले दिल्ली के ही म्यूजियम में आग लग गई थी. तो मैम ने बोला था कि किसी म्यूजियम में अभी आग लगी थी और तुम्हारे इससे भी जुड़ा हुआ है, तो बताओ कि क्या सिचुएशन है और कैसे कैसे डील करना चाहिए. तो एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी क्वेश्चन पूछे. इंटरव्यू के एंड में एक्चुअली मुझसे एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ लिया था, और अब क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के बारे में उतनी एक्सपर्टीज नहीं है क्योंकि मुझसे है नहीं, और मुझे बाद में पता चला कि मुझसे जो पहले जो कैंडिडेट थी उनका एग्रीकल्चर ऑप्शनल था,
तो शायद उनसे थोड़ा जुड़ा हुआ मैम ने पूछ लिया. और क्वेश्चन थोड़ा, हालांकि थोड़ा मुश्किल था, बट मैम बहुत सपोर्टिव थी. बोर्ड चेयरपर्सन, उन्होंने इनफैक्ट हिंट दी कि नहीं नहीं वी नो यू कैन आंसर दिस, चलो हिंट से आंसर कर दो. हिंट से किया एंड देन शी वाज लाइक फाइन यू डिड वेल यू कैन लीव. जब इंटरव्यू से बाहर निकले आप, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग थी? सर आई थिंक फीलिंग अच्छी थी. मैं खुश होकर आई थी क्योंकि मैंने सारे जवाबों का सवाल दिया जो आखिरी सवाल था एक हिंट के बाद, बट जवाब तो देखे आई थी. तो एक ओवरऑल पॉजिटिव फीलिंग थी और मैं होपफुल थी कि शायद द बोर्ड मेंबर्स विल गिव मी.